इस वक्त खोरी पाकड़ एक जगह है, प्राचीन जगह है, और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं इसका एक अलग इतिहास है। धार्मिक क्षेत्रों में बात करें तो लगभग 150 वर्ष पुराना ये मंदिर राम जानकी मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, और सामने गंगा जी हैं, उसके ठीक बगल में पशुपत बाबा का स्थान है, और पास में आएंगे तो राम जानकी ठाकुरवाड़ी मंदिर, ये लगभग 150 साल पुरानी मंदिर। एक पुरानी परंपरा है शरद पूर्णिमा पर धार्मिक कार्यक्रम का, यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार से कलाकार भी आते हैं और धार्मिक वातावरण के साथ इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं। और इसके पहले जो भगवान की झांकी दर्शन होता है, जो परिक्रमा होती है, जो मंदिर से बाहर भगवान आते हैं इस प्रांगण में, जहाँ दर्शन करने के लिए पूरा गांव उमड़ता है, खोरी पाकड़, नसीराबाद, हैबतपुर, मालदेपुर सहित सागरपाली, बलिया शहर, तमाम जैसे जगहों से लोग आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। तो मैं बात करूंगा आज के इस आयोजन पर कि कितने साल की पुरानी परंपरा है, मंदिर कितना पुराना है, भगवान का जो झांकी दर्शन हो रहा है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। जी पूरा नाम क्या लेते हैं? जितेंद्र दुबे। तो आज का आयोजन क्या संदेश दे रहा है जनपद वासियों को? बोलिए। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री ठाकुर जी का जय जयकारा करने के साथ, यह परंपरा लगभग 150 सालों से चली आ रही है, यह मंदिर आज से 150 साल पहले 1889 में लगभग यह मंदिर बाबा जगदेवानंद जी महाराज द्वारा यह स्थापित किया गया मंदिर है। और इस मंदिर पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान की जो झांकी है वो सजती है, और भगवान आज ही के दिन मंदिर से बाहर आते हैं और हम सभी क्षेत्रवासियों को अपना दर्शन दे कर के उनके आशीर्वाद का हम लोग लाभ उठाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनादि संत इस मंदिर पे रहे हैं, बाबा पशुपतनाथ जी महाराज की भी यह तपोभूमि है, और कल्पात्री स्वामी जी भी इस मंदिर पर माँ सत्यचंडी यज्ञ भी कराए थे, और ऐसे ही तमाम संत आते जाते रहते हैं। यह मंदिर पर तमाम अनादि कार्यक्रम होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पे इस मंदिर के कमेटी के द्वारा यहाँ जो कार्तिक पूर्णिमा पे पूरे देश से श्रद्धालु जो बलिया में आते हैं, वह कार्तिक पूर्णिमा पे हम व्यवस्था करके श्रद्धालुओं का सेवा भाव इस मंदिर के माध्यम से करते हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम इस मंदिर के माध्यम से होते हैं, और आज के दिन मंदिर का सबसे बड़ा यह कार्यक्रम है। पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन होता है, भगवान को हम लोग भजन कीर्तन कर उनका आशीर्वाद का लाभ लेते हैं। यह पूरा क्षेत्र, पूरा जनपदवासी जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है आज रात में आता है, दो रामायण मंडली जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और पाठ करते हुए सुबह 6 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है, और कार्यक्रम समापन के बाद फिर भगवान की मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है। तो यही सब कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है इसी के उपलक्ष्य में। लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे सब चल ही रहा है, यहाँ भगवान की कृपा दर्शन हो रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, गांव के लोग हैं जिनके बारे में, भगवान के इस स्थल के बारे में, इस पौराणिक धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी लेंगे। इस स्थल का विशेषता क्या है? यहाँ बहुत सिद्ध महात्मा रह चुके हैं मंदिर पर, कर्पात्री जी, जगतगुरु शंकराचार्य भी 1971 में जग हुआ था उसमें आए थे, और ये सिद्ध स्थान है। यहाँ की देवी हैं भगवती माँ, और बहुत सिद्धि धृतात्री हैं, जो मनोकामना किसी का रहता है वो पूरा हो जाता है, मतलब जो मनोकामना लोग मांगते हैं पूरा हो जाता है। हाँ, प्राचीन स्थल है, प्राचीन स्थल है, 150 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का बहुत ही दूर दूर से साधु संन्यासी महात्मा लोग आते हैं और रह करके रहते भी हैं और यहाँ जाते भी हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, पशुपति बाबा से भी रहे हैं यहाँ पे, शंकर जी के मंदिर, राम जानकी मंदिर है, यहाँ के अगल बगल के कई गाँवों के लोग यहाँ बहुत आस्था है मंदिर से जुड़ी हुई है। ये सातों गाँव के मंदिर है जी। आइए बात करते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, ये हमारे ज़िले का सबसे श्रेष्ठ पुराने, सबसे श्रेष्ठ प्राचीन मंदिरों में से है। यहाँ
प्रदेश के ही नहीं पूरे अपने देश स्तर के भी महात्मा लोग यहाँ आकर तपस्या किए हैं। ये तपस्वियों की भूमि रही है, यहाँ पर हमेशा तपस्वी लोग आते रहते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और ये श्री राम जानकी मंदिर आपके आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आकर आप भी दर्शन के भाग्य आपको सही है कि मुझे भी दर्शन मिला। हाँ जी, वाकई मैं यहाँ के दर्शन पा के बहुत खुश हूँ। आज वैसे भी आज का बड़ा महत्व है श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव। इस महोत्सव में पूरा गांव उमड़ेगा। ये जगह जो खाली है कुछ देर में पैर रखने की जगह नहीं होगी क्योंकि एक विशाल आयोजन है और इस आयोजन में मेला जैसा दृश्य है। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ चारों तरफ देखे जा रहे हैं। गुड़िया जलेबी से लेके चीनी की जलेबी हर चूज बच्चों का खिलौने वगैरह फुल्की वगैरह चाट टिकिया सारे दुकान यहाँ देखे जा रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस आयोजन समिति को जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम बहुत ही बेहतर हो रहा है और सुबह 6 बजे तक चलेगा। माताएं बहनें भी इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है। कुछ ही देर में यह कार्यक्रम की आगाज होगी, शुरुआत होगी। नमस्कार।